बॉलीवुड सितारों के फैशन को आम लोग फॉलो करते हैं। वे चाहते भी हैं कि उनके चहेते सितारों ने जो कपड़े पहने हैं उसी तरह के कपड़े वे भी पहने। उनका ये सपना पूरा किया है कोलकाता पोर्ट अंचल के गर्ल्स आर्य परिषद स्कूल ने, जिन्होंने दुबई में हुए आईफा अवार्ड में बॉलीवुड के सितारों ने जिस बुटीक के कपड़े पहने थे वहीं से छात्रों के लिए डिजाइनर कपड़े स्कूल के छात्रों में बांटे गए। आपको बता दें कि स्कूल के तकरीबन 600 से भी ज्यादा बच्चों में डिजाइनर कपड़े बांटे गए। ये उपहार पाकर छात्राएं काफी खुश हुई। उन्होंने बताया कि छात्राओं की यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही समय समय पर स्कूल की ओर से उन्हें काफी सारे उपहार भी मिलते रहते हैं। आपको बताते चलें कि गर्ल्स आर्य परिषद स्कूल पिछले 3 दशक से खामोशी से शिक्षा जगत में अपना काम कर रहा है। यहाँ की छात्राएं कई बड़ी बड़ी जगहों पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। इस मौके पर रोहित अग्रवाल, बबलू करीम, अनिश भाई, स्कूल के सेक्रेटरी और 1500 बच्चों के पापा कहे जाने वाले कमल कुमार शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कमल कुमार शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वे स्कूल की छात्राओं को उस काबिल बनाना चाहते हैं जहां उनका नाम पूरे विश्व में गूंजे। काफी अच्छा लग रहा है आर्य परिषद स्कूल में आके। मैं काफी बार आते रहता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ डोनेट करने। लास्ट टाइम मैं जैसे कॉपी किताब देने आया था, इस बार मैं इधर कुर्ती कपड़े देने आया हूँ। मुझे काफी पसंद आता है यहाँ पे बच्चे लोग के साथ मिल के खेल के उन्हें बात करके उनको कुछ देने से। ये स्कूल लाइफ है, हमारे बचपन में भी हमारी स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से हम लोग ने निकाली थी, तो हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी अच्छे से एजुकेट हो, अच्छे से उनको पढ़ाई करने का मौका मिले। जो भी परिस्थिति है जिससे हम लोग कुछ हेल्प कर पाए वो सब ओवरकम करने का मैं ट्राई करता हूँ। गर्ल्स आर्य परिषद स्कूल दूसरे स्कूल से कितना अलग है सर? ये तो काफ़ी अलग है। जैसे आप दोनों टाइम में इकोनॉमिकली एंड मेंटेन की जैसे करते, कमल जी हमारे मेंटेन जैसे करते बहुत ही अच्छा से करते हैं। सब सुख सुविधा दी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैं हमेशा हर 2-3 महीने में आता हूँ तो हमें हमेशा देखता हूँ कि बच्चे खुश है, खेल रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली एजुकेशन तो बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ से क्या संदेश देंगे आप? यहाँ से यही संदेश देंगे कि बच्चे को कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, बस यही है। थैंक यू। देखिए ये पसंद की बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जैसे कि यहाँ हमारे कमल सर इस स्कूल के लिए इतने मेहनत करते हैं, मैडम सब मिलकर ये स्कूल के बुनियाद रखे गए रख के इस इलाका में, जबकि एक डिस्क्रिमिनेशन था फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड ये सब के अंदर जो एक डिस्क्रिमिनेशन था, वहाँ फीमेल चाइल्ड के पीछे चले जाते थे, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते थे। उस जगह यहाँ इन्होंने मेहनत करके पूरे इंडिया से हजारों के ऊपर स्टूडेंट को लिया के एक कॉन्फिडेंस ग्रोथ किया हर पेरेंट्स के अंदर, हर आवाम के अंदर इस इलाका में कि आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए। स्टडी चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड को पढ़ाने का ये इच्छा ये इन्होंने जागृत किया है इस इलाका में और यहाँ के रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। स्कूल के पीछे मेहनत करके इतना अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिए हैं ताकि गार्जियन आज पूरे इलाका के एक ही बात में अगर बच्ची को पढ़ाना है तो आर्य परिषद गर्ल्स में पढ़ाना है, कमल सर के अंडर में पढ़ाना है। तो इस तरीके का सोच जो बनाया गया है वो एक दिन में नहीं बनाया है, इन लोगों को काफ़ी मेहनत है। साथ में हम सब और जैसे हमारे यहाँ सोशल वर्कर जरूरी थी हैं सब मिलकर बच्चे लोग को इंस्पायर करने के लिए, जैसे कि आज का एक प्रोग्राम है, छोटा सा एक प्रोग्राम है कि बच्चे को थोड़ा ड्रेस दिया जा रहा है तो एक इंस्पिरेशन है उनके लिए इस बच्चे स्कूल में पढ़ने से। जब ये कोरोना के समय था हर बच्चे के घर में उनके राशन भेजा गया था, तो ये सब अरेंजमेंट जो करते हैं ताकि घर में एक सोच रहे कि हमें स्कूल में पढ़ा के बच्ची को पढ़ा के ये हमारे लिए बोझ नहीं है बल्कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है, संग में वी आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। तो ये सोच को आगे बढ़ाते हुए बच्ची लोग के लिए ये स्कूल आज नंबर 1 है। आने वाले दिन और भी बेटर रिजल्ट हम लोग करेंगे। बच्ची लोग भी यहाँ के सिंसियर हैं, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोग भी सिंसियरली इस इलाका में इतने पढ़ाई करते हैं और माध्यमिक में हायर सेकेंडरी में अच्छे अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं जो कभी हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इस इलाका में ऐसे रिजल्ट हो सकता है। दे आर डूइंग वेरी मच वेल, दिस इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। गर्ल्स आर्य परिषद जो है इंग्लिश मीडियम में सबसे जो चीपेस्ट यहाँ पे फीस है मटिया ब्रोज खिजीपुरी इलाके में, जितने स्कूल हैं उसके मुकाबले यहाँ पे फीस जो है वो बहुत कम है, तो उसको लेके क्या कहेंगे कि उससे बच्चों गार्जियन को कितनी सुविधा होती है?
देखिए हमारे जो यहाँ एक फीस की मसला है, इट इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा पूरी जैसी फ्री है। नॉमिनल कुछ देने के लिए देते हैं और वो पूरा सिस्टम जो चलाते हैं हमारे कमल सर, उनके वेलविशर के जरिए हर टीचर के फीस से लेकर, जैसे कि ये गवर्नमेंट अनएडेड है तो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल की सैलरी वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ टीचर लोग की इंस्पिरेशन है, टीचर लोग भी अपनी यहाँ टाइम देते हैं मिनिमम सैलरी लेकर, और वो सैलरी सबसे सोशल वर्कर लोग चुनते हैं, उनसे हमारे कमल सर और मैडम सर के तलुकात रख के ये स्कूल को कामयाबी पर ले जा रहे हैं। बच्चे लोग के बीच में फ़ायदा हो रहा है, गार्जियन के ऊपर भी इसका एक बोझ नहीं आ रहा है कि एडुकेशन के इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का जो सोच नहीं सकते थे कि बहुत खर्चा का मसला है, उस जगह से हट कर ये स्कूल आगे बढ़ सकते। संदेश देंगे कि अगर दिल में इच्छा है, पढ़ाई है, और हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि बच्चे को भेजिए, पढ़वाइए और इस समाज को सुधारिए। जी आज ये जो गिफ्ट बांटा गया है बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये गिफ्ट आया है दुबई से। इस बार फिल्म फेयर अवार्ड जो आईफा हुआ था वो दुबई में हुआ था, और जिस दुकान से आईफा की जो ड्रेसेस गई थी उस दुकान से मेरे प्यारे भाई भाभी की दुकान है वो, और मेरे बहुत बड़े वेलविशर भी हैं वो। तो उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार और इन सबको तो हम लोग बहुत ही कुछ देते हैं, तो अपने स्कूल की इन प्यारी बच्चियों के लिए भी हम ड्रेस बना के देंगे। तो ये हमारी बच्चियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशनसीबी का दिन है कि जिस दुकान से हमारे भारत के जो नायक नायिका हीरो हीरोइन जिस दुकान की ड्रेस पहनते हैं, उस दुकान की ड्रेस आज हमारी ये प्यारी बच्चियां भी पहन रही हैं। ये भी बच्चियां किसी हीरोइन से कम नहीं हैं, आज ये पहनेंगी तो इनको भी लगेगा कि हम भी कैटरीना कैफ और रवीना टंडन और हेमा मालिनी से कम नहीं हैं। तो ये बहुत खुशनसीबी का दिन है जी। देखिए शादी की सालगिरह लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं, तो ये 1500 बच्चियों का जो ये है स्कूल, यही मेरा परिवार है। दूसरे स्कूल और इस स्कूल में एक ही अंतर है कि दूसरे स्कूल में टीचर और स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे बाप और बेटी का रिश्ता है। ये जितनी भी बच्चियाँ हैं 1500 बच्चियाँ, ये मेरी बेटियाँ हैं, ये मेरी स्टूडेंट नहीं है। और एक माँ बाप जिस तरह 24 घंटे अपनी औलाद के बारे में फिक्र करते हैं, उसी तरह सोते उठते जागते 24 घंटे मैं यही सोचता हूँ कि मेरी बच्चियों के लिए और मैं क्या करूँ कि ये बच्चियाँ आगे बढ़ें। आप लोगों ने एक पुरानी पिक्चर थी जिसमें एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का कि मैं जहाँ से खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो मेरी बच्चियाँ भी, मेरी बच्चियों को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मेरी बच्ची जहाँ खड़ी होगी वहीं से लाइन चालू होगी। ये मेरा सपना है और इसके लिए मैं बार बार बच्चियों को इंस्पायर भी करता हूँ, बीच बीच में बच्चियों के इंस्पिरेशन के लिए गिफ्ट वगैरह, ये सब तो मामूली बातें हैं। हम लोग फिल्मी दुनिया से अपने आर्टिस्टों को भी बुलाते हैं, जैसे रितु पर्णा आई थी, जैसे नागिन सीरियल के अर्जुन बिजलानी आए थे, हमारी बच्चियों को अपने हाथ से प्राइज बांटा उन्होंने। अभी हम लोग गोविंदा और माधुरी दीक्षित को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये प्लानिंग है कि सिर्फ बच्चियों को एक ही टारगेट दिया गया है कि जो बच्ची 90% से अबव लाएगी वो गोविंदा और माधुरी दीक्षित के बीच में खड़े बैठ के अपने हाथ से सर्टिफिकेट लेगी और वो उनके ज़िंदगी की मेमोरी रहेगी। तो ये बच्चियों को इंस्पायर करना, बच्चियों को डांट के नहीं पढ़ाना, बच्चियों को इसलिए नहीं पढ़ाना कि तुमको पढ़ना है पढ़ना है, बच्चियों को ऐसा इंस्पायर करना है कि बच्चे खुद ब खुद पढ़ने के लिए आगे बढ़े। माँ बाप बोले कि बच्चा बहुत पढ़ लिया अब रहो, लेकिन बच्चा बोले नहीं मुझे पढ़ना है और 90% से ऊपर लाना है, मेरे को कमल सर की बेटी होना साबित करना है, यही मेरा ख्वाब है। और एक दिन ऐसा आएगा जबकि पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि कमल सर की बेटी किस तरह पूरे दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन कर रही है, अपने पश्चिम बंगाल का नाम रोशन कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मेयर साहब का नाम रोशन कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री साहब का नाम रोशन कर रही है, हमारे पूरे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंजेगा और गर्ल्स आर्य परिषद की बेटी के रूप में जानी जाएगी। यहाँ सब क्या संदेश देंगे समाज को? संदेश यही है कि गरीब की लड़की को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का हक है,
जिस तरह इंग्लिश मीडियम के स्कूलों ने आज के दिन एजुकेशन को अपना धंधा बना लिया है, मैंने धंधा नहीं बनाया है। मैं कहता हूँ, नेताजी कहते हैं कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, मैं कहता हूँ तुम हमें रिजल्ट दो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, आई एम ऑलवेज विथ यू 24/7, लेकिन आपको रिजल्ट देना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना पड़ेगा और आपको इस कमल पापा का नाम रोशन करना पड़ेगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप कमल सर की बेटी हो। Apart from education, we try to give them all the facilities which can help them to motivate in studies. So as you can see, today we have distributed the boutique dresses which are coming right from the Dubai, from the place where the IFA dresses were prepared this year for the IFA Awards. So this small contributions are done for the girls to encourage them to study more. In class 11 also, their admission is going on, so we are giving them free books, both government as well as private, as well as the free uniform. So all these initiatives which are taken by the school is just for the sake to motivate the girls, to encourage them to study more and more. And of course, we are getting the results also. From the past few years, we have seen lots of achievement in the sector. The more and more we help them, the more and more they provide us result, and the series is going on. And I will just say all the best to all the girls. We have planned a lot of things. We have planned for NCC, we are actually planning for NCC so that more and more girls can join Army Air Forces. We have planned to give them special coaching classes so that most of our girls can become IAS, IPS, doctors, engineers, whatever they want to do. So the main focus is to give them more and more facilities, because in this area we see there is a lack of facility and lack of encouragement. So our focus is to encourage them and to facilitate them, so as a result we get good results. गर्ल्स का मतलब बॉयज़ का वो अहमियत नहीं रखता। अगर आज के डेट में, आज के नहीं, जब से दुनिया बना है तब से आप देखिएगा, जिस भी कंट्री का, जिस भी स्टेट का, जिस भी सिटी का, जहाँ पे एजुकेशन रहा है वही एरिया डेवलप हुआ। तो ये हम लोग का पोर्ट एरिया, चूँकि शुरू से यहाँ पे लेवल क्लास के लोग रहे हैं, तो इसलिए एरिया डेवलप उतना नहीं किया। अब ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का आर्य परिषद जैसे स्कूल खुला है तब जाके यहाँ के बच्चियाँ पढ़ पा रही हैं, नहीं तो पहले बच्चों के लिए स्कूल था ही नहीं। वो जिसके पास पैसा है तो सेंट थॉमस में, सेंट पीजा, सेंट पॉल्स में पढ़ा लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब उसके बच्चे और उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो उन लोगों के लिए ये आर्य परिषद स्कूल खोला गया कि जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चियों को यहाँ भेजे, क्योंकि जब तक बच्चे और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक देश का तरक्की नहीं होगा, आपका अपना तरक्की नहीं होगा। आपका अगर फ्यूचर चाहती हैं कि हमारा फ्यूचर आने वाला जो कल है अच्छा हो, सुनहरा हो, तो उसके लिए आज पढ़ना पड़ेगा। कोई भी बिल्डिंग जब बनता है तो देखिएगा पहले उसका फाउंडेशन बनाया जाता है, तभी फाउंडेशन के हिसाब से बिल्डिंग बनता है। तो आर्य परिषद जो आज के डेट में, गर्ल्स आर्य परिषद जो है आज के डेट में जिस तरह से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है बच्चियों को लेकर, बच्चे जब उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आगे चल के वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, पीएचडी भी करेंगे, प्रोफेसर भी बनेंगे। अगर उनका बेस वीक रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। और आज के डेट में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम में स्कूल तो गवर्नमेंट का है ही नहीं है, और आज का जो ज़माना हम लोग का देख रहे हैं, जहाँ भी जाइए इंग्लिश का जरूरी है, तब इंग्लिश कंपलसरी है। आप जितना भी पढ़ लिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप अनपढ़ में काउंट किया जाएगा। आपको लेटर लिखना है, चाहे कुछ पढ़ना है, चाहे कोई भी काम करना है, कंप्यूटर चलाना है, तो बिना इंग्लिश का आपका होने वाला नहीं है। तो इस पूरा फिलीपुर एरिया में ये आर्य परिषद वैसे बच्चों के लिए और वैसे गार्जियन के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिला है कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम अपने बच्चियों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो कहाँ पढ़ाएंगे भैया, गर्ल्स आर्य परिषद में लेकर चलिए, वहाँ बिना पैसे का पढ़ाई हो जाए। तो ये बहुत सुनहरा मौका है और हम सब लोग मिलकर इसका सपोर्ट करते हैं तन मन धन से। जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा, स्कूल के साथ हम लोग जुड़े हुए पहले से भी हैं और आने वाले दिनों में भी जुड़े रहेंगे। ये गर्ल्स आर्य परिषद स्कूल कैसा लगता है आपको? मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एडमिशन आपने क्यों कराया? मैम क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, मैम जो भी पढ़ाया जाता है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। और आज जो ड्रेसेस आप लोगों को मिल रहा है, ये मिल कैसा लग रहा है? मैम ये बहुत अच्छे है। और इस तरह के क्या सारे जो गिफ्ट्स हैं, क्या हमेशा मिलते हैं या फर्स्ट टाइम आप लोगों को मिल रहा है? नो मैम, हमेशा मिलते हैं। यहाँ की पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी है। यहाँ के सर टीचर्स सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स आर्य परिषद स्कूल आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है।
गर्ल्स के लिए कितना अच्छा है ये स्कूल? मैम ये स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है इसमें। क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? मैम इसमें कभी कभार सर एक्ट्रेस को भी बुलाते हैं और गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत कुछ है, कॉम्पिटिशन टाइप बहुत कुछ एक्टिविटीज़ भी होते हैं स्कूल में, तो बहुत अच्छा लगता है। आज जो ये ग्रेसेस आप लोग को मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले जो इवेंट्स जो पिछली बार भी हम लोगों ने देखा तो उसमें भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो क्या इस आगे भी आप लोगों को इस तरह का पार्टिसिपेट आप लोगों को करना है? Yes, ma'am.